नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों। दोस्तों, समय कब किसका बदल जाए यह बात कोई कह नहीं सकता। जी दोस्तों, यहाँ पर सब किस्मत का खेल है, कर्मों का खेल है। जी दोस्तों, इस धरती पर जिस भी इंसान ने अच्छे कर्म किए हैं दोस्तों, उनका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। जी दोस्तों, और यह समय आप सभी को अच्छे कर्मों का फल मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी की कुंडली में ग्रहों की शुभ स्थिति होने के साथ साथ धन योग और राजयोग का निर्माण होने वाले हैं। जी दोस्तों, ग्रहों की यह स्थिति दर्शा रही है कि यह समय आपका समय गोल्डन समय साबित होने वाले हैं। सोने का महल जैसा समय अब आप सभी का आ चुका है। जी दोस्तों, मानो आपको सोने का महल मिलेगा। जी दोस्तों, और इस दुनिया में आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। सोने की महल की तरह अब आपकी जिंदगी भी जगमगाने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब से आप सभी की जीवन काल में जितनी भी आर्थिक तंगियां हैं, जितनी भी संकट समस्याएं हैं दोस्तों, वे सभी खत्म होने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान दंडाधिकारी शनिदेव के आशीर्वाद भी आप सभी के जीवन काल पर मिलने वाले हैं और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको खुश कर देने वाले साबित होंगे। परंतु दोस्तों, जहाँ भगवान शनिदेव की बात है तो दोस्तों दंडाधिकारी है, इसके अनुसार आप कोई भी गलती ना करें और आने वाले 36 घंटों के अंदर आपको जो लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, उनमें जो बातें हम बताने वाले हैं इन्हें गौर से सुने, क्योंकि दोस्तों ये बातें ही यश में आपको काम आने वाली है। अगर आप इन बातों को जान लेंगे तो दोस्तों सफलता पाने में आपको कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बहुत ही भाग्यशाली व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान से, बहुत अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में अवश्य ही याद रखनी चाहिए। जी दोस्तों, ये बातें अगर आप याद रखते हैं तो दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा अच्छा बदलाव होगा और यह बातें आप खुद देख पाएंगे। तो दोस्तों, इन बातों को आप जो है बहुत ही गौर से सुने कि दोस्तों, मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं। दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। जी दोस्तों, इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है, फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है जिससे पतन का रथ प्रारंभ हो जाता है। जी दोस्तों, जब मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है तब स्वाभाविक ही वह मानता है कि मुझ में कोई दोष नहीं है, गुण है। इन गुणों से अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटी फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अगर अपने जीवन काल में दूसरों को सुधारने के चक्कर में हैं तो दोस्तों आज ही इन्हें बंद करें और खुद के अंदर आप सबसे पहले दोष झांकें, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान की कोई न कोई गलती अवश्य होती है, बस आप उस गलती को पहचानें और उन्हें सुधार करने का प्रयास करें। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि अगले 36 घंटों के अंदर ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, यह समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं बनेंगी, जिनमें दोस्तों आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। घर में किसी नजदीकी मेहमान के आगमन से खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय अपनी सफलता संबंधी दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। अगर यह समय वाहन संबंधी कोई भी लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों उसमें जो है भली भांति विचार कर लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि आपको नए अनुभव और नई बातें सीखने के लिए यश में अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के लोगों द्वारा आपको जिम्मेदारियां मिलनी शुरू हुई है, इसलिए दोस्तों किसी भी बात को अनदेखा ना करें
और आपके ऊपर रखे हुए भरोसे को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी होगी। विद्यार्थियों का अभ्यास में मन लगा रहेगा और युवाओं को भी नई संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, परिस्थिति में अचानक से जो है सकारात्मक बदलाव भी यश में दिखने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन मुताबिक कोई अच्छी कार्य भी पूरी हो सकती है और जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। नवीन कार्यों की योजनाएं भी यश में बन सकती है तथा उनको जो है कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे, जो लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, अपने आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता भी होगी। आर्थिक मामलों में हाथ जो है आपका तंग रह सकता है। दोस्तों यश में अपनी गतिविधियों की गोपनीयता बनाकर रखें, अन्यथा कोई आपके जो है कार्य में बिगड़ डालने की कोशिश कर सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके विचारों में आपको सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा, जिनकी वजह से खुद के अंदर जो बदलाव लाना है उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों यश में व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षित बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा किए जाएंगे। लोगों से जुड़े रहना और रिश्तों को गहराई से निभाना, या दोनों बातों पर यश में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से यश में आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह अवश्य लें। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में जो है उत्साह भरा वातावरण भी रहेगा। साथ ही दोस्तों, कहीं पर भी पैसा इसमें निवेश ना करें या फिर ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए समय जो है अभी उतना अनुकूल नहीं है। दोस्तों, किसी के साथ भी इसमें संबंध ना बिगाड़ें, अन्यथा समाज में आपकी छवि इसमें खराब हो सकती है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में भावनाओं के प्रति आप अधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखकर लोगों द्वारा बोली गई हर बात का गहराई से जाकर अधिक सोच विचार न करें। खुद के द्वारा किसी काम या फिर वचन की पूर्णता न कर पाना खुद के प्रति नाराजगी बढ़ा सकता है। दोस्तों यश में अधिक वक्त आप जो एकांत में बिताने की कोशिश भी करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि रुपये की आवक के लिहाज से समय श्रेष्ठ है। दोस्तों, आप अपनी सोच अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल भी प्राप्त करने में यश में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, किसी संत या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे यश में आज्ञाकारी बने रहेंगे, परंतु दोस्तों आपका ज़्यादा अनुशासित स्वभाव अन्य लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, आप पर जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक यह रह सकता है। और इसके उपरांत यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको काम द्वारा खुशियां मिल सकती है और किसी कठिन काम को पूरा करने की वजह से खुद के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, और दोस्तों काम की पूर्णता का आनंद भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी मिल रहे हैं। अधिक संयम बनाकर जो है अपने प्रयत्नों को बढ़ाना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके काम करने का जो जोश होगा और जो जज्बा होगा गजब का रहेगा। दोस्तों, सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी का यश में पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों यश में गैर कानूनी काम करने से बचे हैं, अन्यथा बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच बेहतर सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर खटास भी आ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों का सहयोग तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगा तथा घर की व्यवस्था भी यश में उचित बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखने में दिक्कत भी रह सकती है। बेहतर होगा कि दोस्तों यश में आप शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी कुछ नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं,
मेडिटेशन करें तथा कुछ समय जो है प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि खांसी जुकाम जैसी परेशानी भी आपको रह सकती है, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित उपाय होगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें।